यार बताइए कैसा लगा आप लोग को। मैंने जैसा आपको दिखाया, हम लोग इस टाइम बोर्ड में बैठे हुए हैं, परमट में आए थे, ये चक्कर में पीछे का व्यू। वेलकम बैक टू ऑन द व्लॉग। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही गाइज, आप ये चेक करें, हम लोग पहुंच चुके गाइज परमट बाबा के द्वार। बिकॉज गाइज कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा बोटिंग करने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा चलते हैं बढ़िया परमट बाबा जी के दर्शन भी करेंगे, उसके बाद चलेंगे बढ़िया आपको फुल बोटिंग करेंगे और मस्त व्यू दिखाएंगे घाट साइड का चल के बढ़िया रिवर में, अगर बोटिंग हो रही होगी यहाँ पे तो मैंने कहा यही अच्छा मौका है, बारिश वाला मौसम बना हुआ दैट्स व्हाई हम लोग पहुंच चुके हैं परमट। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए गाइज जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यार चलते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे स्कूटी का मैंने पार्किंग लगा दी है, तो गाइस हम लोग चल रहे हैं। और गाइस आज है थर्सडे, तो भीड़ हमको बहुत एवरेज मिलेगी, ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, तो हो सकता है हम लोग आराम दर्शन भी कर लेंगे। बस गाइस यहाँ पे बोटिंग हो रही है, मजा आ जाएगा भाई, यहाँ पे अलग लेवल का मजा आता है बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और लोग घाट के उस पार ले जाके थोड़ी देर वहाँ पे स्टे भी करते हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके एकदम मेन गेट पे। गाइस यार चलिए, फिलहाल हमारी एंट्री हो चुकी है परमट में, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में, आप ये चेक करें, हम लोग को बस यहाँ से रास्ता जाना है। तो गाइस यार चलिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं काफी आगे, चलते गाइस पहले यहाँ से अंदर जूते उतारते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर। यार चलिए फिलहाल में जूते वगैरह उतार लिए, चलते गाइस सामने पहले हाथ पर धोते हैं, उसके बाद ले लेंगे प्रसाद, फिर चलेंगे हम लोग यहाँ से अंदर। गाइस यार हम लोग लेने आए थे यहाँ पे प्रसाद, तो गाइस हम ले लेते हैं प्रसाद, ले लिया गाइस, अब लेके चलते हैं अंदर, मस्त आज भीड़ भी कम है और आज आपको आराम दर्शन भी कर लेंगे। तो से बोलिए हर हर महादेव। तो गाइस यार चलिए फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और गाइस आप देख पा रहे हैं आज भीड़ काफी ठीक है, हम लोग आराम दर्शन कर लेंगे, तो चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। सो गाइस यार चलिए, हमारा भी टहन आ चुका है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखना, हमारा साथ देना, सब कुछ अच्छा करना बाबा जी। गाइस यार जैसा मैंने आपको दिखाया हमारे कितने अच्छे दर्शन हुए हमारे बाबा जी के, आप देख पा रहे कितनी एवरेज भीड़ है आज, गाइस आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग हमेशा ट्राई करिए, थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ऐसे दिन पर आइए तो आप लोग इजीली यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे कितनी काफी कम भीड़ है और इसलिए हमारे दर्शन भी हो गए, आपको मैंने करा दिए। चलिए फिलहाल मैंने दर्शन कर लिए, आपको भी करा दिया यहाँ पे आनेश्वर बाबा जी के, फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ से बाहर, और गाइस आप देख पा रहे हैं मंदिर कितना खाली है। मैं आपसे कहूँगा गाइस आप हमेशा मंडे को या वीकेंड मत आइए, आप थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ऐसे टाइम पर आएंगे तो आपको कितना खाली मिलेगा और आप बहुत आराम से इजी दर्शन कर पाएंगे। चलिए फिलहाल मैंने आपको दर्शन करा दिए यहाँ पे भोले बाबा जी के, तो गाइस हम लोग आ चुके घाट वाले एरिया पे, आज करने वाले हैं बोटिंग, जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते आराम से बोटिंग करते हैं और चल के आपको गाइस उस पार ले चलेंगे, पानी का बहाव बहुत तेज है, थोड़ा डर भी लग रहा है, जैसा गाइस आप देख पा रहे सामने बोट, इसी में चलते हैं, नई बोट है और आपको पूरा चल के उधर का व्यू दिखाएंगे, पानी का बहाव बहुत मजा आ रहा है, देखिए इतने ज्यादा लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये चेक करें पूरी बोट भर के आई है, ऐसे सोचे चलने का ट्राई कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि अगर वहाँ बोटिंग हो रही होगी परमट में तो पक्का करेंगे, फिलहाल चलते थोड़ा भर जाए बोट, सब लोग फिर चलते हैं, मस्त आपको उधर साइड का व्यू दिखाएंगे। गाइस यार चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं बोट में और चल के आपको बढ़िया मस्त व्यू दिखाएंगे। चलिए फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है मोटर, हम लोग निकल चुके हैं गाइस, आप ये चेक करें, इंजॉय करिए गाइस आप लोग आज हमारा बोटिंग का व्यू गंगा रिवर से, मस्त मजा आएगा। देख पा रहे पानी का फ्लो चेक करें गाइस, ये चेक करें इतना ज़्यादा पानी हो रहा है भाई साहब, ऐसे पानी में भाई, ऐसे मौसम में और ऐसे पानी के फ्लो में बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने आपसे कहा था ना अगर बोटिंग हो रही होगी परमिट तो ज़रूर करेंगे, तो फाइनली आप ये चेक करें हमारे पीछे का व्यू, क्या मस्त मज़ा आ रहा है भाई, गजब मज़ा आ रहा है भाई, पानी का फ्लो बहुत ऊपर ज़्यादा है लेकिन ये है और डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। गाइस यार चलिए फाइनली हमारी यहाँ पे बोट रुक चुकी है और हम लोग गाइस देख पा रहे हैं वहाँ थे, वहाँ से पूरा बोट से चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये चेक करें पूरे सूखे वाले एरिया में, इधर पूरा खेत वगैरह आप देख पा रहे हैं सामने, लास्ट टाइम गाइस जब यहाँ पर आया था
तब पानी वगैरह था, बट अब तो गाइस इधर पूरी खेती वगैरह हो रही है जैसा कि देख पा रहे हैं। तो गाइस हम लोग का यहाँ 5 मिनट का स्टे है हमारी बोट का, जितने सारे मेंबर्स हैं सब लोग आराम से अपना ही खड़े होंगे, अपना देखेंगे व्यू। फिलहाल गाइस कुछ व्यू तो नहीं मिल रहा है मेरे को, बट लेकिन है अच्छा है, खेत वाला एरिया है। मेरे को अच्छा लगा ना कि हम लोग वहाँ से पूरा यहाँ तक आए, तो ये अच्छा लगा। और भाई पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा यार, मतलब थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा था कि भाई बोट ऐसा ना, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही थी, बट भाई चलाने वाले का एक्सपीरियंस था तो मज़ा आया, अच्छा लग रहा है। मैं आपसे कही रहा था कि यार अगर परमानेंट बोटिंग हो रही होगी तो पक्का करेंगे, और देखिए फाइनली हमारा वो काम हो गया, हो भी रही थी, हम लोग आ भी गए, कर भी ली। गाइस यार बताइए कैसा लगा आप लोग को, मैंने जैसा आपको दिखाया हम लोग इस टाइम बोट में बैठे हुए हैं, परमानेंट में आए थे, और आपको यहाँ गंगा नदी का व्यू दिखा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख लोगे इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में आप लोगों को भी आना चाहिए। मैं आपसे कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, आपके पास टाइम है यहाँ पर आइए, आके बोटिंग करिए, मस्त मजे करिए। और मेरे को भाई बड़ा मस्त लग रहा है, आप ये चेक करिए पीछे का व्यू भाई साहब, इससे अच्छा कुछ और नहीं है बारिश के मौसम में। चलिए वापस से फाइनली पहुंच चुके हम लोग एंड पॉइंट पे, भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मजा आ गया भाई। फाइनली गाइस पहुंच चुके वापस से अपने एंड पॉइंट पर, चलिए फाइनली मैं उतर चुका हूं बोट से। तो गाइस यार मेरे को बड़ा मजा आया, मैं आपसे कहूंगा गाइस आप लोग यहां पर आ सकते हैं, और गाइस मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, ये लोग गाइस आपसे बोलेंगे 50 रुपए पर पर्सन, बट आप लोग यहां पे बार्गेनिंग करिएगा। गाइस मैं 30 रुपए में गया हूं, मेरे साथ जितने लोग थे गाइस सब लोग 30 रुपए में गए हैं, तो ये लोग थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं, आप लोग पहले बार्गेनिंग कर लीजिएगा। ये लोग जाएंगे जरूर, स्टार्टिंग आपको थोड़ा महंगा बोलेंगे, पहले मैंने आपसे बता दिया 50 बोलेंगे, आप लोग 30 में मानिएगा और 30 में जाइएगा, पहले मजा आएगा। एक बार आप जाके देखिएगा भाई उस साइड पूरा, आप मजे करिएगा बोट में, और वहां तक आप पूरा ले जाएंगे एंड तक जहां पर पूरा वो पानी खत्म हो रहा है, भाई बड़ा मजा आएगा भाई ऐसे मौसम में ऐसे टाइम पर यहाँ पर आना, भाई मेरा तो आना भाई वर्थ इट हो गया, मैं आपसे कह ही रहा था कि चलेंगे चलेंगे, भाई आ गया। और गाइस ये रही हमारी गंगा नदी, आप ये चेक करें गाइस मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जस्ट मैं नीचे उतरूंगा, लेकिन नीचे हमारा पानी है, आप लोग गाइस दर्शन कर लीजिए यहाँ पे, हर हर गंगे हर हर गंगा माता की सारी विशेष पूरी करें और हमारी भी, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, ऐसे काम करते रहे और सबको मन की सारी इच्छाएं पूरी हो। बोलो क्या बोल रहे थे, अच्छा यहाँ बहुत है, तुम लोग भाई तैर ले रहे हो, डूब तो नहीं रहे हो, भाई मजा आ रहा है okay. पर कितने सारे बंदर आ चुके हैं, बिकॉज गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेके आए हैं भैया लोग केले, तो अभी केले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितने सारे मंकीज आ गए खाने के साथ, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला व्यू दिखाने के लिए काफी देर से वेट कर रहा था, बट फाइनली कितना अच्छा लग रहा गाइस आप देख पा रहे हैं, इतने सारे मंकीज आए हैं और सब केला खा रहे हैं, ये चेक करें, ले लेके पूरा झुंड आ गया। गाइस यार फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ से आगे, आपको आवाज आ रही होगी गाइस, ये चक्कर है आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते हैं गाइस हम लोग चल के आरती ज्वाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज यार चलिए फाइनली यहाँ पे आरती खत्म हो चुकी है, ये चक्कर है गाइज, वापस सारे श्रद्धालु लोग हमारे पहुँच चुके हैं शिवलिंग के पास बाबा जी के दर्शन करने के लिए, वापस अंदर भीड़ हो चुकी है, ये चक्कर है गाइज यार। चलिए फाइनली टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, मैंने आपको आज दर्शन कराए, बोटिंग कराया, मजा आया। फिलहाल गाइज चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर, शूज वगैरह पहनते हैं, उसके बाद निकले, काफी रात हो गए हम लोग को, हम लोग 5 बजे आ चुके थे, इस टाइम 7:30 बज रहे हैं, 2.5 घंटा हो गया हम लोग को। फिलहाल गाइज चलिए यहाँ से बाहर निकल लें और आप लोग जोर से बोलिए हर हर महादेव, ये आ चुका है बाबा जी का त्रिशूल, ये चेक करें। तो गाइस हम लोग यहाँ से आ चुके हैं बाहर, चलते फटाफट शूज पहनते हैं, फिर मिलते हैं। यार चलिए फिलहाल शूज वगैरह पहन लिए, तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, काफी रात हो गई है। तो गाइस फिलहाल यहाँ से कर एग्जिट, आ चुके हैं बाहर गाइस, निकलते हैं हम लोग यहाँ से, पूरा बाहर चले जाना पड़ेगा हम लोग को, वहीं पर हमें स्कूटी मिलेगी वापस गाइस, हमारा ये पूरा गली वाला व्यू है ना, लाइन से आपको दिखाया दोनों तरफ दुकान है, तो यहीं से निकलते हैं हम लोग बाहर निकलेंगे, फिर आपसे बाहर चल के बात करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, मेरा दिल खुश हो गया। यार चलिए फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर, आपको बताइए कैसा लगा गाइस, और मैंने जैसा आपसे कहा था कि आप अगर ऐसे टाइम पर आएंगे थर्सडे पे या वेडनेसडे को फ्राइडे को, तो आपको वीकेंड पे अगर नहीं आएंगे और मंडे को, तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी। भाई मैंने बड़े अच्छे दर्शन भी किए, आपको भी किया है, बड़ा मजा आया भाई। फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं गाइस, लाइट भी चली गई, अंधेरा को दिख नहीं रहा, चलते उठाते हैं स्कूटी, निकलते फिर आपसे बात करते हैं। चलिए फाइनली जहाँ से अपने व्लॉग हमने स्टार्ट किया था, इस व्लॉग को आज एंड भी यहीं से करेंगे। तो गाइज बताइए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, जैसा गाइज मैं आपको ले गया आज परमट धाम, जैसा गाइज मैंने आपको दर्शन कराया अमनेश्वर बाबा जी के, साथ में गाइज हम लोगों ने करी थी बोटिंग, आपको पूरा वो दिखाया, आरती करी वो दिखाया। फिलहाल गाइज चलिए टाइम हो चुका है निकलने का, डैड घर चलते हैं, तो ठीक है फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो,
अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।